हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल मीनूज गुड लाइफ। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि चिमनी जो हमारे घर में चिमनी होती है वो उसको साफ हमें कैसे करना है। आप देखते हैं कि रोज़मर्रा की तरह से ये चिमनी जो है हमारी काफ़ी गंदी हो जाती है क्योंकि ये सारा डस्ट सूख लेती है और इसमें इस तरह के जाले और चिकनाई काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। डेली हम इसको साफ़ नहीं कर पाते हैं, लेकिन हमको मंथ में एक बार इसको अच्छे से डीप क्लीन ज़रूर कर लेना चाहिए ताकि ये हमें ज़्यादा ये चले। इसको हमें क्लीन करने के लिए चाहिए विनेगर, डिश सोप लिक्विड, कास्टिक सोडा और पानी। ये बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही आसान तरीके से हम इसको साफ कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विनेगर हमें लेना है आधा कप और सोप लिक्विड लेना है इसमें 2 चम्मच, कास्टिक सोडा लेना है 1 चम्मच और पानी लेना है आधा कप। इसका घोल हमने अच्छे से रेडी कर लेना है। और सबसे पहले हमें क्या करना है, जो इसमें चिमनी लगी हुई है, चिमनी का जो आउटर पार्ट है वो निकालेंगे और उसे गर्म पानी के अंदर कास्टिक सोडा डाल करके डुबो देंगे। कुछ देर के लिए इसको ऐसे ही पड़ा रहने देंगे ताकि इसका जितना भी मैल है, जितनी भी चिकनाई है, वो आसानी से आराम से निकल जाए। फिर हम 1 स्पून इस सोप में जो हमने ये सामान तैयार कर रखा है, जो मिक्सचर तैयार कर रखा है, उसको ब्रश की सहायता से इसका आउटर पार्ट पूरा साफ कर लेंगे, रब कर लेंगे और फिर इसको अच्छे से साफ कपड़े से पोंछ लेंगे। अब हम उसी सॉल्यूशन को चिमनी पर भी अप्लाई कर देंगे स्क्रबर की मदद से। ये देखिए, इस तरीके से इसको साफ कर लेंगे। देखिए, हमारी चिमनी बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे मैंने अभी अभी नई नई ली है। तो मैंने तो अपनी चिमनी साफ कर ली है, अब आपकी बारी है। आप भी अपनी चिमनी इसी तरीके से साफ कर लीजिए और मुझे जरूर बताइए कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।